एक्सेल सी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चुनावी बिल्कुल बच चुका है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी तरफ से जो है प्रयासों में जुट गई है। प्रचार प्रसार की बात करें, प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, वोटर्स को लुभाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जो है अपने लोकसभा की सीट्स के लिए जो यहाँ पर कार्यालय हैं, प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं, 5 सीटों के लिए जो है इन्होंने कार्यालय आज खोल दिए हैं और आने वाले समय में जो है ये प्रचार में जो है तेज़ी लाई जाएगी। फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी में जो है कई दिग्गज नेता जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वरिष्ठ नेताओं की बात करें प्रदेश से तो वो भी कोने कोने में जाकर जो है वोटर्स को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे ताकि मोदी सरकार को एक बार फिर से जो है विजय का सहरा पहनाया जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये नेता। इस समय पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह मेरे साथ आईएनए से जाने की कोशिश करते हैं। सर, चुनावी बिगुल बज चुका है, भाजपा अपने आपको कहां दिखती है? भाजपा कहने आपको कहां दिखती है इन 5 सीटों के लिए? 400+ और जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर डट के लड़ेंगे और पहले वाली जो टैली है 2 की उसको इम्प्रूव करेंगे। कश्मीर घाटी की बात करें तो जिस तरह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अपना दबदबा है, तो कितनी मेहनत जो है भाजपा को करने की आवश्यकता है कि कश्मीर की सीट्स भी जो है भाजपा के खाते में आए? देखिए, भाजपा 24/7 काम करने वाली पार्टी है और लगातार हम जो काम करते हैं कश्मीर घाटी में। बेशक पहले हमारा जिस प्रकार का वहाँ हमारे जो प्रेजेंस होनी थी उसमें कमी थी, लेकिन जिस प्रकार का एक नया माहौल बना है और पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी को काम करते हुए जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हम सरकार में थे चाहे हम यहाँ जो गवर्नर रूल था, जो डेवलपमेंट हुई है 370 के बाद जो एक कुछ परसेप्शंस थे, कुछ इंप्रेशंस थे, वो बदले हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कश्मीर के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। पूरे विपक्ष की बात करें, पूरा विपक्ष जो है एक साथ है और उनके सामने जो है नरेंद्र भाई मोदी हैं, क्या कहना चाहते हैं? कितना साथ है ये तो पता लग गया, बिहार में पता लग गया। आप दिल्ली वाली बात देखिए, ममता की बात देखिए, इंडी लाइंस जो है वो सिर्फ उन्होंने जो शोषा एक छोड़ा था वो समाप्त हो गया है। अभी कांग्रेस अकेली घूम रही है, कुछ लोग उनके साथ राग लाप रहे हैं, लेकिन जब सीटों का आवंटन होगा देख लीजिए ये भी रुकेंगे नहीं, अल्टीमेटली जो है वो धाराशाही होंगे और 400+ जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, चुनाव क्या लगता है कि जिस तरह से हम पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं भाजपा कितनी सीट्स जो है वो जीतेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कम से कम आउट ऑफ 6 है, मिनिमम हमारी 4, अदरवाइज 5। तो जो 1 या 2 सीटों पर जो है कितना काम करने की आवश्यकता है? काम मेहनत करने की तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि कश्मीर का जो माहौल है उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी कश्मीर में भी मजबूत है, लेकिन फिर भी आपको पता है डे टू डे जो आजकल डेवलपमेंट भी हो रही है, हालात भी हैं वहाँ एक कितना का माहौल वो बना के, तो उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम ओपोजिशन पार्टीज़ की बात करें, रीजनल पार्टीज़ की बात करें, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, तो इन पार्टीज़ का भी जो है अपना अपना जन आधार है, अपना वजूद है, तो कितना जो है आपको लगता है कि भाजपा इन्हें कम्पीट कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक एनसी का तल्लक है इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉपर श्रीनगर में इसमें है, महबूबा मुफ्ती का साउथ कश्मीर में है, साउथ कश्मीर का कुछ पार्ट हमारे रजौरी और अनंतनाग में आता है। अब वहाँ उनकी आपस में अभी तक फैसला नहीं हुआ क्योंकि वो एक बना हुआ है गट, उसमें से आप मैंडेट जो है वो इकट्ठा होकर देते हैं या अलग अलग लड़ते हैं। अगर अलग अलग लड़के हैं फिर तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये रजौरी और अनंतनाग को, तो मुझे लगता है। इस समय पूर्व मंत्री सत शर्मा जी मेरे साथ हैं, आईएनए से जाने की कोशिश करते हैं। सर, चुनावी बिगुल बज चुका है तो भाजपा अपने आपको कहाँ देखती है? जिस तरह से यहाँ पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वोटर्स को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी में 5 की 5 जगह पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ तक मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी, कम से कम 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है और हम तीनों के तीनों जीतेंगे। उसके बाद जो बाकी के 2 हैं वहाँ पर भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज देख रहे हैं, आज 6 जगहों पर कार्यालय खुल रहे हैं, एक इतिहास बनाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है और केंद्र में भी 400 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी छुए। जो 2 सीटें हैं उन पर कितना काम करने की आवश्यकता है?
भारतीय जनता पार्टी हर सीट के ऊपर काम कर रही है। यहाँ तक प्रश्न पार्टी का यहाँ पर तीनों सीटों का है जो जम्मू खित्ते से हैं, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी एक डेफिनेट इतिहास बनाएगी, लेकिन जो बाकी कश्मीर की दो सीटें हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहा है। और जिस तरीके का वातावरण नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बना है, भारतीय जनता पार्टी पाँचों की पाँचों सीटों पर चुनाव लड़के ये बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पीछे नहीं। इस समय फॉर्मर मिनिस्टर मैडम प्रिया सेठी मेरे साथ हैं, आई एन ए से जाने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और भाजपा ने अपने कार्यालय भी खोल दिए, कितना जोश जो है और कितनी उम्मीदें हैं सीट्स की? मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के अंदर जिस तरह से 10 साल का कार्यकाल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, और अलग अनंत गिनत स्कीम्स जो हैं लोगों तक पहुँची हैं और एक गवर्नेंस का सुख जो है हर व्यक्ति को मिला है। पुनः से तीसरी बार फिर से मोदी सरकार आएगी और इसमें ये है कि पिछले वाला जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा इस बार हम तोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जो है बहुमत में आएगी और एनडीए के अपने समर्थकों के साथ दोबारा से सरकार जो है बनाएगी। विपक्षी दलों की बात करें तो वो भी जो है एड़ी चोटी का जो है प्रयास करेंगे और वो भी जो है वोटर्स को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। मुझे तो नहीं नज़र आता, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, अगर सरकार के अंदर कोई काम कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनकी गवर्नमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से ये अलायंस बनाया है उन्होंने, वो अलायंस एकदम धाराशाही हो गया। आपने देखा कि एक दूसरे पर छिटाकाशी करते हुए इनका एक मुख्य जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों को देखते हुए वापस आया है। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर धाराशाही हो गए, इनके जो वादे हैं, इनके जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं वहीं तक सीमित रह जाएंगे और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर हम इस बार 400 पार जो है लोकसभा की सीटें लेंगे। और आज कोई भी गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है हमें यही सिखाता है कि हर व्यक्ति का काम करो, एक सोशल वर्क की तरह राजनीति को करो। इस समय भाजपा से पूर्व उप महापौर मेरे साथ हैं बलदेव जी, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। बलदेव जी, चुनावी बिगुल बज चुका है, भाजपा जो है अपने आप को कहाँ दिखती है? बिल्कुल, चुनावी बिगुल बज चुका है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और जनता भी मानसिक तौर पे नरेंद्र भाई मोदी जी को 400 प्लस के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल तैयार लगता है। जिस तरह के लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बेनिफिशरी से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लोग खुश हैं। और मैं पक्की बात बताता हूँ कि जम्मू के लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जो सीट है, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत के बाकी सबकी जवानें जब्त करवा के जहाँ से भी अपना नुमाइंदा जो है वो दिल्ली भेजेगी। करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।